शांति, आज की तारीख है 23/8/2023, 23 अगस्त 2023। आज मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, बाबा तुम्हें किस जन्म सत्युग त्रेता में सुख का वर्षा देते हैं, ऐसे माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। प्रश्न है आज की मुरली से, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ, मेहनत कैसी रहती है और उसकी निशानी क्या है, सुनो। जो खुश नसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। प्रकृति की तरफ ध्यान केंद्रित कर अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं। जो सुनते हैं और उसका औरों को दान देते हैं, बाबा का जो ज्ञान सुनते हैं वो औरों को भी सुनाते हैं। वह शंख ध्वनि करने के बगैर रह नहीं सकते, धारणा भी तब हो जब दान करें। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कभी भी धर्म राज से डोंट केयर नहीं रहते। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। माया के पांच विकारों में फंसकर बहुत परेशान हो जाते हो, खुशी गायब हो जाती है, शांति गायब हो जाती है जीवन से, क्योंकि बाबा को छोड़ा और माया ने पकड़ा, माया के पांच विकारों में धंसे। तो गीत है आज की मुरली से, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को ध्यान में रखना है और श्रेष्ठ कर्म करना है, बाबा के इस ज्ञान को कभी नहीं छोड़ना। दूसरी पॉइंट, ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी। जितना बाबा के इस ज्ञान को दान करेंगे, दूसरे को सुनाएंगे, आपकी धारणा बढ़ती जाएगी, इसीलिए दान जरूर करना है। कभी भी शिव बाबा की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना। वरदान है आज की वल्ले से, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी बाबा। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए, वायुमंडल का, किसी के संग का, आलस्य का, यदि कोई विघ्न आया तो सेवा खंडित हो जाती है। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में आ नहीं सकते। जो अखंड सेवाधारी हैं वो कभी किसी विघ्न में आ नहीं सकते, जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। अपने को सेवाधारी कब कह सकेंगे, जब सभी प्रकार के व्यर्थ से, वायुमंडल के प्रभाव से, किसी के संग से, आलस्य से मुक्त रहो, तब बाबा कहें सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन है आज की बोली से, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है, ईमानदार है, सच्चे दिल पर साहब राजी, बाबा को पसंद है ना सच्चाई सफाई सादगी। तो जो दिल और दिमाग से ईमानदार है, ऐसा वही शिव बाबा और परिवार के प्यार के पात्र हैं। ऐसी आत्माएं इस ब्राह्मण परिवार के और बाबा के प्यार के पात्र हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। अब देखेंगे सेवा में हमारे कौन कौन से विघ्न आते हैं, उसको समाप्त कर अखंड सेवाधारी बनना है। इस सम्मान का अभ्यास करेंगे, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए, निराकार स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करें। प्रकृति की कुटिया में विराजमान चैतन्य हीरा, स्वर्ण सी चमकती मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा पुंज हूँ। ध्यान केंद्रित करें प्रकृति की ओर। आवाहन करती हूँ मैं इस परमात्मा शिव का,
हे मेरे मीठे प्यारे बाबा, मेरे पास आ मेरे बाबा। परमात्मा शिव परम धाम से धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं, बाबा से ज्ञान गुणों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। जैसे मेरी एक एक कमजोरी धुलती जा रही है, मिटती जा रही है, मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है, मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। ज्ञान गुणों की किरणों से भरपूर होती जा रही हूँ, शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से आता ये निरंतर ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन के, मेरे आत्मा के अंधकार को दूर करता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ, संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। सुखों से भरपूर होते जा रही हूँ, बाबा के प्रेम से समाते जा रही हूँ।